हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता मैम। बेटे, आज हम बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे, मेरा बचपन। ये स्टोरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और यह 2002 में हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। ओके बेटे, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं और ये कहानी उनके बचपन पर आधारित है। ठीक बेटे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बोर्न इंटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अस्वाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म, ये कौन कह रहे हैं बेटे? APJ अब्दुल कलाम। मेरा जन्म तमिल फैमिली के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, जो रामेश्वर के एक द्वीपीय शहर में हुआ था, जो मद्रास स्टेट में है। माय फादर जैनवालुद्दीन हैज नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। Despite these disadvantages, he proceeded greater innate wisdom and a true generosity of spirit. मेरे पिता जैनवालुद्दीन, जो औपचारिक शिक्षा, जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी और ना ही वे अधिक, उनके पास अधिक धन था, इन सभी कमियों के बावजूद भी उनमें सहजता थी और वे जो थे वो उत्साह से भरे हुए थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। मेरी ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, उनको मेरी माँ के रूप में एक आदर्श पत्नी मिली, जिनका नाम आशी अम्मा था। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. I do not recall the exact number of people. मैं ये बिल्कुल सही संख्या नहीं बता सकता कि एक दिन में हमारे परिवार के कितने लोग खाना खाते थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो व्यक्ति मेंबर होते थे नंबर में, वो बाहर के लोग थे। वो कहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों से अलग जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा संख्या में थे, जो हमारे साथ खाना खाते थे या भोजन करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक्स। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं अपने आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं एक बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विद रेदर अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक, एक सिंपल सा साधारण से दिखने वाला बच्चा था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, एक सुंदर और लंबे माता पिता का बच्चा था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रियल हाउस, वे हमारे पूर्वजों के मकान में रहते थे। हम पूर्वजों के मकान में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच में वह मकान बना था। इट वॉज अ फाइली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। वह एक पक्का मकान था जो सीमेंट और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वह रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में था। माय ऑस्ट्रस फादर यूज्ड टू अवॉइड एंड Essentials, comfort and luxuries. मेरे पिता को जो
कंफर्ट, जो आरामदायक या लग्जरीज। मेरे सीधे से सादे पिता विलासिता और सुविधाओं की चीजों से वो दूर रहते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. जबकि वो हमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, दवाइयां और खाना, ये सभी आवश्यकताएं की जो चीजें थी वो सभी हमें उपलब्ध होती थी, जैसे खाना, दवाइयां और कपड़े। In fact, I would say mine was a very secure childhood. वास्तव में मैं यही कहूंगा कि हम मानसिक और भौतिक, जो मेरा बचपन था मानसिक और भौतिक दोनों तरह से ही बहुत अच्छा था, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली, मानसिक और भौतिक दोनों ही चीज़ों से मैं दोनों तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत था कि मेरा जीवन बहुत, बचपन बहुत अच्छा था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. 1939 ईस्वी में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. बाजार में इमली के बीजों की जो मांग थी वो एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि मैं इसका कारण कभी नहीं समझ सका। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्को स्ट्रीट। मैं उन बीजों को इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद की गली में जो दुकानें थी, उस किराने की जो दुकानें थी, उन पर बेच देता था। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना। और एक दिन का जो मेरा कलेक्शन होता था इकट्ठा उन बीजों को, इमली के बीजों को बेचने के बाद जो मेरा पैसे इकट्ठे होते थे एक दिन के, वो एक अन्ना थे। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to track in the headline in the Dina Mani. मेरे जीजा मेरे को उस युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे जो बाद में दीना मणि की सुर्खियों में खोजने का मैं प्रयास किया करता था। ये क्या था दीना मणि? एक न्यूज़पेपर था बेटे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. और जहाँ पर मैं रहता था वो इलाका जो था वो बिल्कुल एकांत था और युद्ध का उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। But लेकिन soon, जल्दी ही India was forced to join the Allied forces and some things like a state of emergency was declared. लेकिन जल्दी ही भारत को जो दूसरे देश थे उन्हें सेना के साथ उन्हें जुड़ना पड़ा और देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। The first casualty came into the form of the suspensions of the train halt and Rameshwar station. अब ये पहला मौका था जब वह ट्रेन रामेश्वर के स्टेशन पर नहीं रुकती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwar road between Rameshwar and धनुषकोटी। अब जो न्यूज़पेपर थे उनकी गठरी को बांधकर चलती हुई ट्रेन से रामेश्वर और धनुषकोटी के बीच सड़क पर फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड
my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram. मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को जो रामेश्वर में समाचार पत्र बेचते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच इन बंडल्स, एंड उन्हें समाचार पत्रों की जो गठरी थी उसको पकड़ने के लिए एक सहायक की जरूरत थी. एज इफ नेचुरली, जैसे कि वास्तव में, आई फिल द स्लॉट, मैंने उस कमी को पूरा किया. शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने पहले कमाई करने में मेरी सहायता की. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. 50 वर्ष के बाद अब मैं भी पहली बार कि अपनी कमाई में गर्व की भावना का अनुभव करता हूँ. मतलब मेरे को 50 साल हो गए हैं, लेकिन जो मैंने पहली बार अपनी जो कमाई की थी उसका मेरे को आज भी उस पर गर्व है. ये कौन कह रहे हैं बेटे अपने बारे में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. एवरी चाइल्ड इज बोर्न, प्रत्येक बच्चा पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स इन टू आर स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट. प्रत्येक बच्चा एक विशेष पैतृक गुणों के साथ सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है. एंड टेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी, और कुछ विशेष तरीकों से उसके अपने बड़ों के द्वारा उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर. मैंने अपने पिता से ईमानदारी और अपने आप में स्वशासन और अपनी माता से इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. मैंने अपनी माता से गहन दयालुता और विश्वास सीखे. एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर, और यही मेरे तीनों भाइयों और बहनों में थे. आई हैड 3 close friends इन माई चाइल्डहुड, और मेरे बचपन के 3 मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन मेरे घनिष्ठ मित्र थे बचपन के. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से या रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे. एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों की तरह, नन ऑफ अस आवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंगस्ट आवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. बच्चों की तरह हमारे अंदर धार्मिक अंतरों तथा हमारे जो पालन पोषण था उनके कारणों में कभी भी आपस में कोई भी मतभेद नहीं हुआ. इन फैक्ट, वास्तव में रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी थे. लेटर उनके बाद ही टुक ओवर द प्राइस सूट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल. उनके बाद उन्होंने रामेश्वर टेम्पल में अब वो पुजारी हो गए. हिज फादर, अपने पिता के बाद अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अरविंदन ने तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन संचालित करने का कारोबार किया. एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में कैटरिंग की व्यवस्था करने का ठेका ले लिया या संभाल लिया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वर्ष में एक बार होने वाले सीताराम कल्याण धार्मिक अनुष्ठान
के अवसर पर आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल फॉर द मैरिज साइट। हमारे जो घर के या परिवार के लोग थे, हमें उन नावों पर विशिष्ट मंच बनाकर भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह मंडप तक ले जाने का कार्य दिया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ट कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। वह जो शादी का स्थल था, राम तीर्थ नामक तालाब, जो वो हमारे घर के पास में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ आवर प्रॉप्स वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वो टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। हमारी जो मेरी माँ थी और जो दादी थी, वे हमारे परिवार के बच्चों को सोने से पहले रामायण और रामायण की कहानी सुनाया करती थी। रामायण और पैगंबर साहब से संबंधित जो कहानियां थी उनको सुनाया करती थी हमारी फैमिली के बच्चों को।